हमारी शोस्टॉपर डोली सोही, प्लीज कम ऑन स्टेज, प्लीज क्लैप टुगेदर। स्नेहा गगोई, स्नेहा गगोई, प्लीज तालियां हो जाए स्नेहा जी के लिए। इन्होंने इतने खूबसूरत ड्रेस डिजाइन किए हैं और इतने मॉडल्स के ऊपर। खूबसूरत का जो मेकअप किया है निशा देसाई जी भी, आप भी कमाल की खूबसूरत लगते हैं मैम। तालियां हो जाए निशा जी के लिए जिन्होंने इतने खूबसूरत मॉडल्स को तैयार किया है। हमारी तीसरी क्वीन तो नजर नहीं आ रही है। दलजीत कौर जी के लिए भी जोरदार तालियां प्लीज। Thank you.
सानी और अमिता सेठ भी प्लीज स्टेज पर आ जाएं एक बार और। साथ में संगीता जी भी आ जाएं, ज्वाइन कीजिए हमें। संगीता खन्ना जी प्लीज, संगीता जी इनका भी हमारे मॉडल को तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान है। मैं भी आ जाए तो एक बार मेरे लगता है कि ये सारी खूबसूरती जन्नत इस धरती और इस मंच पे ही आ गई है, तो इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें इतनी खूबसूरत लड़कियों और बॉयज के लिए। थैंक यू सो मच। एक एक फोटोग्राफ चेंज इन द सोसाइटी। अगर कहते हैं अकेले चले हैं, अकेले चलते चलते जब लोग आपको समझ जाते हैं तो कारवां बन ही जाता है, और चिंगारी लगते ही
आग भड़क ही जाती है। हम भी एडवाइजरी पैनल ऑफ आईवा, ये हमें आईवा की जो लॉज एंड बायलॉज हैं या हमें एडवाइस करनी चाहिए, हमें हमारे आईवा में वी नीड मोर एंड मोर पीपल टू एडवाइज अस। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू कर्नल हैप्पी सिंह जी। दीपक बल जोरदार ताली हो जाए एक बार दीपक जी के लिए। और एक बार मैं समीर जी को भी बुलाना चाहता हूँ स्टेज में, समीर चगे जी। दलजीत जी प्लीज ज्वाइन कीजिए हमारे स्टेज। तस्वीर है और प्रोड्यूसर भी है समीर जगे जी। Can I invite नीलू कोहली जी प्लीज ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच मैम ऑनर, क्योंकि ये जिस कॉज के लिए है वो उसके लिए आपको सम्मानित किया जाना ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि एक यू नो फील्ड में जो काम किया उसके लिए सराहा जाना ये बहुत ही अच्छी बात है, तो अच्छा लगता है। दलजीत जी हमेशा वेमेन एम्पावरमेंट हो, जो नए नए एक्टर बनना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन करके आप क्या कहना चाहिए उनके? क्या कहे उनके बारे में, ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अगर इसी तरह का उनको प्रोत्साहन मिलेगा तो आगे काम करने के लिए उन्हें भी प्रेरणा मिलती है। ये एक छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं हर एक्टर कहो या हर एक फील्ड के लोगों के लिए। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग व्हाट शी इज डूइंग। मैम अब 5 का सीजन 2 आने जा रहा है, इस तरह की ऑडिशन एक तक पूर्ण जी ने हमें जानकारी मिली है, तो आप हम 5 2 के एक्चुअली हम 5 2 नहीं, हम 5 3 आ रहा है बिकॉज हम 5 1 तो था ही, हम 5 जो ओरिजिनल, फिर हम 5 2 आया, अभी हम 5 3 आएगा जिसमें जा रहा है कि आप भी हो। नहीं नहीं आई डोंट थिंक, बिकॉज अभी तक तो कुछ मुझे अप्रोच नहीं किया गया एंड पता नहीं अभी डिपेंड्स ऑन हाउ द स्टोरी इज गोइंग टू बी। तो अगर होंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, नहीं होंगे तो भी अच्छा लगेगा क्योंकि अभी नई जनरेशन को आना चाहिए। तो आई थिंक हम 5 तो यूनिवर्सल है, वो कभी वो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। थैंक यू सो मच गेटिंग अवार्ड। अरे थैंक यू सो मच। बस थैंक यू कहना चाहूंगी एंड खुशी इस बात की कि ऐसी एसोसिएशन के साथ टाई अप हुआ है जो कुछ करना चाह रहा है सोसाइटी को चेंज करने के लिए। छोटा सा एफर्ट कल को बड़ा बनेगा और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं जब ये एक सीड है तब से इस चीज से जुड़कर जब ये पेड़ बन जाएगा तब तक दलजीत एक्चुअली किसी लफ्जों की मोहताज नहीं है। जितनी सुंदर वो हैं उतनी मन की भी सुंदर हैं, वेरी एंटरप्राइजिंग, वेरी गो गेटिंग एंड यू नो हैट्स ऑफ फॉर थिंकिंग ऑफ सच एन एसोसिएशन। सो कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू यू। आज के आज आपको अवार्ड भी मिला, कांग्रेचुलेशंस। आज का जो आया कांग्रेचुलेशंस क्या, थैंक यू। आईवा अवार्ड का ऐसा है कि बहुत कमाल है कि जो वुमेन वायलेंस है, जो वुमेंस के अगेंस्ट वायलेंस किया जाता है या डिप्रेशन होता है फैमिलीज के अंदर उसको कैसे सॉल्व करना और सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करना और बडिंग आर्टिस्टों को मौका देना, तो दलजीत कौर का ये कमाल ऑर्गेनाइजेशन है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि इंकरेजिंग है बहुत यंगस्टर्स को, ओल्ड, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी को हीरो बनाने का करना, इट इज़ मोर फॉर द पीपल हु आर लूजिंग देयर वे, उनको इंकरेज करके आगे दिखाना। और अवार्ड्स तो ऐसा होता है कि जब अवार्ड मिलता है आपको तो इंकरेजमेंट मिलती है और हौसला बढ़ता है, तो मैं बहुत बहुत इनको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आप लोगों के सामने। इट्स बीन अ फंटास्टिक फंक्शन, और इन जहाँ मॉडलिंग्स का भी जो शो किया बहुत अच्छा था, रेड कार्पेट, और ऑडियंस भी अच्छी है, और ऑडियंस जो आई हुई है वो समझदार ऑडियंस है, एंड फंटास्टिक एक्सपीरियंस। तो ये अवार्ड मेरे हिसाब से तो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि लोग जुड़ना चाहेंगे इस टाइप के लोगों के साथ, और दलजीत को तो कमाल है, उसकी पूरी टीम कंग्रेचुलेशंस। और यहाँ जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये हमारे अरुण हैं, बहुत फिल्में मेरे साथ की हैं इन्होंने, एंड इट्स प्लेजर टू बी हियर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा कि किसी ने पहचान तो दी, नहीं तो हम ही लोग सबको पहचानते रहते। क्या कहना चाहेंगे, इतने सालों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या टिप देना चाहिए आज के दिन? मैं यही टिप देना चाहूँगी कि अपने पे विश्वास करें तो आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई वॉयलेंस नहीं होगा, कोई डोमेस्टिक वॉयलेंस नहीं होगा, अगर आपको खुद पे विश्वास है तो। और ये अभी मैं पत्रकार हूँ और मैं इतने सालों से हूँ, और मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे किसी से खतरा है या मुझे नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि मैं सबके साथ थी और सब मेरे साथ थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये आदमी जब अपने पे विश्वास नहीं करता तब होता है। आपको लगता है मैम आजकल पत्रकारिता खत्म होती जा रही, पीआर पत्रकारिता होती जा रही, इस पर आप क्या कहते हैं? पीआर पत्रकारिता तो है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी खुद की पहचान बना सकते हैं। वो पीआर जितना बोलते हैं हम लोग उनके हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन हम लोग खुद की भी पहचान बना सकते हैं। अभी 25 साल से हम लोग लिख ही रहे ना, तो अगर पीआर के हिसाब से चलते थे तो ऐसा तो नहीं होता कि लाइक। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मोना जी और आइए ना मोना जी और फिरोज जी, इनके वजह से ही मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया, और मुझे बहुत खुशी हुई उनकी वजह से आज मैं ये अवार्ड हासिल कर रही हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। या क्या कहना चाहिए? वंडरफुल सेरेमनी दिस आइवा अवार्ड। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज दैट दिस इज रिगार्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट। Also, it is run by an NGO which looks after old age people. The platform is pretty large. The domestic violence and so many other subjects which they have covered are something very unique. I am at. मेरा फोटो मत निकालिए, क्यों निकाल रहे हैं आप? हाँ, मेरा मत निकालिए। डिलीट कर दो फोटो। अब यहाँ से शुरू करें। नहीं कोई बात। ओके। सर क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए? आइवा अवार्ड जो है बड़ी यूनिक अवार्ड है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, और ये एक एनजीओ भी हैं जो ओल्ड एज लोगों को उनकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा कई और पैशन हैं जो इनके, जो सोसाइटी के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में है। एंड मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से एज एडवाइज़र संबंधित हूँ, कर्नल एन पी सिंह मेरा नाम है, और मेरे को ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। और आपने भी देखा अंदर, जैसे जिनको इन्होंने अवार्ड से सम्मानित किया है वो सोसाइटी की लेडीज़ हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के दायरे में जाके उन्होंने जो कुछ किया वो काफ़ी सराहनीय है सोसाइटी के लिए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा कदम है जो उठाया गया है इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। मैजिक कैसा किया? मैजिक अच्छा किया मैजिक। ओके, इतनी तैयारी कैसी तैयारी करते हैं, मैजिक कैसे करते हैं? ये देखो, ये देखो, अभी ये कितना है? ये कितना है? फाइव। ये कितना है? फाइव है ना? अभी मैं बोलता आप बोलो कौन सा नंबर आएगा? अरे अभी मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, ये ट्रिक है, ये चेन करूंगा तो क्या हो?
35 भाई झूला बन गए।